उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक के जिलों में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, जिन्हें मिल रहे हैं वे ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं। राज्य के लगभग हर अस्पताल में बड़ी संख्या में वेंटिलेटर का संकट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। यहाँ हालात ये हैं कि सभी अस्पताल कोरोना मरीजों से भर गए हैं। अब नए मरीजों को आसानी से बेड मिलना मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में बेड के साथ वेंटिलेटर और ऑक्सीजन का संकट भी गहराता जा रहा है। लोग दवाइयों के लिए भी भटक रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में यहाँ कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या हर दिन 10 से 20 होती है, लेकिन इससे उलट शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में लाशों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। घाट पर अंतिम संस्कार कराने के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार हो रही है। शहर के अंदर के कब्रिस्तान भी फुल हो चुके हैं। अब लोग शहर के बाहरी इलाकों में शवों को दफन कर रहे हैं। यही कुछ हाल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले गोरखपुर का भी है, जो कोरोना से संभल नहीं सका। यहां हर दिन अस्पतालों की चौखट पर बेड मिलने के इंतजार में मरीज दम तोड़ रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमण मरीजों के इलाज के लिए कुल 1500 बेड है, जिनमें से रोजाना करीब 15 बेड खाली होते हैं, जबकि भर्ती होने वालों की लिस्ट लंबी होती है। इनमें से करीब 10% मरीजों को वेंटिलेटर वाले बेड की भी जरूरत है, लेकिन वो भी नहीं मिलते। सरकारी आंकड़ों में भले ही मरने वालों की संख्या कम होती है, लेकिन शमशान घाट और कब्रिस्तानों में दिन रात अंतिम संस्कार चल रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भले ही नए मरीजों की संख्या कम होने लगी हो, लेकिन अस्पतालों और शमशान घाटों का नजारा पहले की तरह बना हुआ है। यहां घाटों पर आज भी शवों की लंबी कतारें लग रही हैं। दिन रात अंतिम संस्कार हो रहा है। जब इसके वीडियो वायरल हुए तो सरकार ने घाटों पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर ही रोक लगा दी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया।